जी, इस वक्त पेट्रोल इन चीफ गौहर एजाज टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि इस वक्त सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है सर, क्या मुश्किलात हैं? पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त 60% ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल से, हमारे पास जो इस वक्त महीने की कैपेसिटी है वो $2 बिलियन महीने की कैपेसिटी है, जिसका मतलब है $24 बिलियन सालाना की एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल दे सकती है। हमने पिछले साल जो है $20 बिलियन की एक्सपोर्ट दी थी और हम इस टारगेट पे थे कि इस साल $25 बिलियन को टच करेंगे। पाकिस्तान में कॉटन की क्रॉप जो है वो फ्लड्स की वजह से जो है उसका फेलियर हो गया। हमारी 15 मिलियन बेल की रिक्वायरमेंट है जिसके सामने 5 मिलियन की क्रॉप हुई। इस वक्त जो है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हैं। हम हुकूमत को ये बावर करा रहे हैं कि टेक्सटाइल से $1 की जो रुई इम्पोर्ट की जाएगी उससे $3 की एक्सपोर्ट हो, तो जो है उसकी सप्लाई चेन को ना रोका जाए। अगर हम ये कहेंगे कि एक जो है वो आज के दिन 1 मिलियन बेल अगर आप उसकी वैल्यू लेते हैं तो वो $400 मिलियन होता है, और आज 15 मिलियन बेल की कंजम्पशन से हम $1.3 बिलियन एनुअल पर मिलियन बेल की एक्सपोर्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है 3 गुना। हर $400 मिलियन पे $1.3 बिलियन या $1 पे $3 की एक्सपोर्ट, तो इसलिए पिछले छः मंथ को बंद करना का मतलब यह है कि पाकिस्तान का पहिया बंद कर। इसीलिए हम आज इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह ताला अपने केस को प्रोजेक्ट करेंगे ताकि सप्लाई चेन की जो डिसरप्शंस हैं वो ख़त्म हो। पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, हम ये कह रहे हैं कि $24 बिलियन की इंडस्ट्री तो टेक्सटाइल हमारे पास लगी खड़ी है। हम इस साल $5 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ाने के काबिल, इंडस्ट्री को जो है हमें चलाना है और इंडस्ट्री को फाल कर। इंडस्ट्रीज बंद क्यों हो रही है सर टेक्सटाइल की? सप्लाई चेन। जी, आपने सुना कि पेट्रोल इन चीफ आल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन का ये कहना है कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सप्लाई चेन का इशू है जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है।